एक प्रोडक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोडक्ट की एंड टू एंड स्ट्रेटेजी का, प्रोडक्ट बनाने से लेके उसकी टेस्टिंग, मार्केटिंग स्टडी, एक्चुअल मार्केटिंग, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, यहाँ तक कि उसको रिटायर करने तक की भी एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर की। आज के एमएनसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक बहुत ही ज़्यादा हॉट करियर है और बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग जॉब भी है। कंपनीज कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस बेच कर ही बिजनेस कर रही हैं, इसीलिए डिमांड होती है प्रोडक्ट मैनेजर्स की। हर बड़ी कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं और हर प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है। नेस्ले का एग्जांपल ले लो, कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचती है, किटकैट, कॉफी, मैगी, इन सब हर एक प्रोडक्ट के लिए उनको एक प्रोडक्ट मैनेजर डेडिकेटेड चाहिए होता है जो उस प्रोडक्ट की एंड टू एंड स्ट्रेटेजी को मैनेज कर सके। प्रोडक्ट मैनेजर के की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान और विजन सेट करना, इसको एंड टू एंड मैनेज करना शुरू से लेके एंड तक। आइए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल को हम तीन हिस्सों में समझते हैं। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, मैनेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिजाइन, सैंपल प्रोडक्शन, टेस्टिंग, फोरकास्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट के आइडिया से लेके उसका सैंपल प्रोडक्शन, टेस्टिंग, एक्चुअल मास प्रोडक्शन, कॉस्ट फोरकास्टिंग, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रमोशन, जब एंड यूजर्स के पास प्रोडक्ट पहुंच जाए, यूज होने लगे, तो उस प्रोडक्ट का आफ्टर सेल सपोर्ट, एंड फाइनली बहुत सालों बाद जाके जब वो प्रोडक्ट रिटायर करना हो तो उस प्रोडक्ट की एंड ऑफ लाइफ, पूरा शुरू से लेके एंड तक मैनेज करना प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा, डिलीवर्स द ऑपरेटिंग प्लान। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाहते हैं, लेके आते हैं, तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट होते हैं, क्या उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, क्या रेवेन्यू फोरकास्ट हो सकता है, क्या कॉस्ट उसकी लग सकती है, मल्टीपल ईयर्स में कितनी हमको आरओआई मिल सकती है, ये सारे के सारे फाइनेंशियल एस्टिमेट्स फाइनेंशियल टीम के साथ बैठ के वर्कआउट करना भी प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है। चलो जी, अब तीसरी चीज़ पे आ जाओ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। सो एक प्रोडक्ट की मल्टी ईयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है, एक मार्केटिंग प्लान बनता है कि कैसे उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाए। प्री लॉन्च मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होगी, पोस्ट लॉन्च मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट को सिर्फ कुछ दिनों महीनों के लिए नहीं, एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल होती है। तो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कैसे उस प्रोडक्ट को कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल बना के रखा जाए, ये सारा का सारा मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग टीम के साथ बैठ के अगेन प्रोडक्ट मैनेजर करता है। वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अकेला नहीं करता है, मार्केटिंग टीम के साथ करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर की भी होती है। इन सारी चीज़ों के अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पार्टनर एंड कम्युनिकेट विद रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स टू रन ऑल द अबव। तो ये तीन जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, इससे भी ऊपर जो एक चीज ये प्रोडक्ट मैनेजर करता है कि ही पार्टनर्स एंड कम्युनिकेट्स विद ऑल दी रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स। जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोडक्ट मैनेजर अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, अलग अलग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग के साथ, सेल्स के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, फाइनेंस के साथ बैठ के प्रोडक्ट मैनेजर को हैंड टू हैंड काम करना पड़ता है, जिससे थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल बना के रखा जा सके। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी प्रोडक्ट मैनेजर के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू सी सिमिलर वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।